इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूँ प्रतीक्षा वर्मा। ये नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी। सरकार ने इस शर्त पर मंजूरी दी है कि वह बॉन्ड पर हस्ताक्षर करेंगे और इलाज के बाद लौटेंगे और आरोपों का सामना करेंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार के मुख्य प्रवक्ता फिरदौस आशिक ने कहा कि बैठक में मौजूद ज्यादातर मंत्रियों की राय थी कि नवाज को चिकित्सा के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद इमरान की कैबिनेट ने एजिट स्टोन लिस्ट से शरीफ का नाम हटाने की मंजूरी दी। शरीफ कानूनी रूप से ब्रांड है, क्षतिपूर्ण ब्रांड, सुरक्षा और अदालतों द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने के लिए बाध्य होंगे। पाकिस्तान के कानूनी मंत्री फारूक नसीम ने नमाज की जांच कर रहे 14 सदस्यों मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई सिफारिशों को कैबिनेट के साथ साझा किया और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की राय ली, जिसके बाद इमरान खान ने वोटिंग कराई, जिसके बाद कैबिनेट सदस्यों ने बहुमत से ACL से नवाज नाम हटाने का समर्थन किया। हालांकि बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। कानूनी मंत्री फारूक नसीम ने एजिट स्टॉल लिस्ट ACL से नवाज नाम हटाने के मुद्दे को थोड़ा जटिल करार दिया। हालांकि इसके बाद कैबिनेट ने उनके बाहर जाने पर मोहर लगा दी है। साथ ही खबर आ रही है, चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एकीकृत मॉडल गांव का विकास कर रही, जो कि वास्तव में सैनिक छावनी का विस्तार है। ये गांव यह सुरक्षित करने के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि सीमा पर सैन्य और नागरिक आबादी को साथ साथ बसाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट जैसी खेल और मनोरंजक सुविधाओं वाले आवासीय परिसरों में विशाल इमारतें सामने आई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन परिसरों के विकास के पीछे यह विचार है कि इनका दोहरा उपयोग किया जा सके। हालांकि ऐसा लग रहा है कि फिलहाल यह नागरिक आबादी नहीं रहती और ये अभी तक खाली पड़े हैं। एक अधिकारी ने कहा है, इसे नागरिक और सेना दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा विस्तार की स्थिति में जमीन पर अपने दावों और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। ये निर्माण वास्तव में सैन्य छावनी का विस्तार है। इन जगहों पर निगरानी टावर बन रहे हैं और ये इलाके पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कड़ी निगरानी में है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की धारणा को लेकर मतभेद हैं, जो कि सीमा निर्धारित करती है। अक्सर अपने क्षेत्रों में गश्त करते समय भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना होता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार ऐसे करीब 2 दर्जन एकीकृत गांव बसाए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के सामने ईस्टर्न सेक्टर में हैं। साथ ही खबर आ रही है, चीन के किंडरगार्टन स्कूल में हुए एक रासायनिक हमले में 51 बच्चे और 3 शिक्षक झुलस गए। घटना दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत की है। यहां एक व्यक्ति ने स्कूल में जबरन घुसकर बच्चों पर केमिकल फेंक दिया, जिससे कुल 54 लोग झुलस गए। चीन के अधिकारियों ने बताया कि केयुआन शहर में घटी इस घटना में 23 वर्षीय कोंग नामक व्यक्ति ने स्कूल में घुसकर कॉस्टिक सोडा रसायन छिड़क दिया। घायल 51 बच्चों और 3 शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोंग ने यह हरकत समाज से बदला लेने के लिए की है। इस मामले में 2 बच्चे की हालत गंभीर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार शाम 3:45 पर डेंगचेन किंडरगार्टन स्कूल में कोंग दीवार फांद कर पहुंचा। इसके बाद उसने कास्टिक सोडा छिड़क कर बच्चे पर हमला किया। पुलिस ने हमलावर को घटना के 40 मिनट बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने बताया है कि हमलावर कोंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद खराब रही। उसके माता पिता तलाशशुदा हैं। हमलावर का बचपन में ही कभी भी अच्छा नहीं रहा। वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है, साथ ही उसकी नौकरी और वर्तमान जीवन भी सही नहीं चल रहा। इन सब की वजह से वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए हमलावर कोंग ने पूरे समाज से बदला लेने के लिए यह अपराध किया। वही खबर आ रही है, पाकिस्तानी सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के राजौरी के केरी सेक्टर में सुबह 7 बजे से ही गोलाबारी शुरू कर दी गई। जवाबी कार्यवाही में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर मंगलवार को शाहपुर किरनी और बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सैन्य चौकियों और
रिहायशी इलाकों को निशाना बना गोले दागे गए। शाम 4 बजे शुरू हुई गोलाबारी देर शाम तक जारी थी। सेना की जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान की 3 चौकियां तबाह हो गई। 3 से 4 सैनिकों के भी मारे जाने की सूचना है। चीतवी गांव कस्बा मदारा किरनी इस्लामाबाद गुतरिया काइया अपर शाहपुर लोअर शाहपुर के साथ नियंत्रण रेखा से दूर दराज के गांव गिलीपीढ़ी और कड़ियाण तक गोले दागे। वहीं सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। गोलाबारी से इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों ने घरों और सुरक्षित जगहों पर पनाह ली है। मंगलवार शाम 7:30 बजे से हुई गोलाबारी देर रात तक जारी रही। गोलट गांव को भी निशाना बनाकर गोले दागे गए। हालांकि इसमें से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को जिले कृष्णा घाटी में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए भारतीय क्षेत्र में गोलाबारी की थी। सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 घुसपैठियों मारे गए। वहीं अगली खबर आ रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद आज से जम्मू संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वह डोडा, भद्रवाह और रामबन में लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आजाद का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्हें 3 बार एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भेजा जा चुका है। 3 दिवसीय दौरे पर आजाद जिला स्तर पर पार्टी के कैडर से मिलेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अभी भी कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं पर पाबंदियां जारी हैं। खास तौर पे कश्मीर आधारित नेताओं की सियासी गतिविधियां करने की इजाजत नहीं दी गई है। पार्टी में मुख्य प्रवक्ता रविंद्र वर्मा ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद के कार्यक्रम में वह बुधवार को शाम जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से पटौत के लिए रवाना होंगे। इसके बाद डोंगा में रात ही रुकने के बाद भद्रवाह और रामबन जाएंगे और उसके बाद जम्मू में वापसी होगी। जम्मू में भी आखिर में पार्टी कैडर के साथ चर्चा की जा सकती है। आजाद ने जम्मू कश्मीर के अपने पिछले 6 वर्षीय दौरे में कश्मीर के हालात पर चर्चा जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन्हें शेड्यूल के मुताबिक कश्मीर के सभी क्षेत्रों में जाने नहीं दिया। वह 4 दिन कश्मीर और 2 दिन जम्मू में रहे थे। साथ ही अगली खबर आ रही है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक धमाका हुआ। पुलिस डिस्ट्रिक्ट 15 के कसाबा एरिया कार में हुए धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई और वहीं 7 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता नशरत रहीमी ने कहा कि अभी टारगेट के बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस के मुताबिक काबुल शहर के पीडी 15 में कसाबा क्षेत्र में स्थानीय समयानुसार सुबह 7:25 पर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में इलाके के कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि धमाका काफी जोरदार था, कई लोगों की मौत हुई, पीड़ित को एम्बुलेंस से ले जाया गया है। इससे पहले अफगानिस्तान के पूर्वी अफगानिस्तान में 18 अक्टूबर को मस्जिद में हुए बम विस्फोटों में 62 नवाजियों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि विस्फोट उस वक्त हुआ जब जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद पर बड़ी संख्या में नवाजी पहुंचे थे। नगरहार प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता उताउल्ला योगिनी ने बताया है कि हक्सा मेना जिले के जाम द्वारा इलाके की मस्जिद के अंदर कई विस्फोट हुए। विस्फोट में मस्जिद की छत पर पूरी तरह से ढक गई। नगरहार की प्रांतीय परिषद के सदस्य सोहराब कदायली ने बताया है कि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई की हालत गंभीर है। ऐसे में मरने वालों की संख्या और भी हो सकती है। इलाके के लोगों ने बताया है कि मस्जिद पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।